नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी आलू। तो आइए देखिए कैसे बनता है और इनमें किन चीजों की जरूरत होती है। ये अचार नहीं है, ये आलू की सब्जी है, पर बिल्कुल अचार के टेस्ट में बनाएंगे इसे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इसके लिए मैंने क्या मसाले लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है आधा चम्मच के करीब। यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने हींग ले लिया है तड़के के लिए, और ये मैंने लिया है हल्दी आधा चम्मच के करीब। ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये भी आधा चम्मच लिया है। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है और ये हींग ली है तड़के के लिए। और यहाँ पे फ्रेश धनिया पत्ता कटा हुआ ले लिया है। ये मैंने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। और यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर लिया है थोड़ा सा। और ये मैंने सरसों का तेल लिया है, इस सब्जी को बनाने के लिए सरसों का तेल ही बढ़िया होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने मंगरेल लिया है यानी कलौंजी। और ये मैंने सौंफ लिया है आधी चम्मच। ये मैंने साबुत धनिया ली है आधी चम्मच। और ये मैंने लिया है सरसों के दाने और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन। और यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम आलू लिया है, जिसे बॉयल करके ये मोटे पीसों में कट कर लिया है। अगर आप बेबी पोटैटो आपको मिलता है तो आप वो वाला भी आलू ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन चढ़ा लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर लिया है कि ताकि हमारा तेल जल्दी गर्म हो जाए। और तेल गर्म होने के बाद मैं हींग डाल दूंगी इसमें। और हींग मैंने यहाँ पे दो पिंच के करीब हींग ली है, हींग डाल दिया मैंने। और ये डाल दिया है मैंने अजवाइन, ये मैंने सरसों के दाने डाल दिए, और ये डाल दिया मैंने साबुत धनिया, और ये डाल दिया मैंने सौंफ, और ये मंगरेल यानी कलौंजी भी कहते हैं इसे। आप यहाँ पे चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ जीरा नहीं डाला है। इन सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया, गैस की फ्लेम को मैं कम कर ली हूँ ताकि सूखे मसाले डालेंगे तो जले ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, और ये मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया। आप यहाँ पे गैस की फ्लेम को ज़रूर कम कर लें। और ये डाल दिया मैंने हरी मिर्चें जो काट करके रखी हुई थी, और सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। और ये मैंने बॉयल्ड आलू डाल दिया है जो मोटे पीसों में कट करके रखा हुआ था, ये देखिए। और हल्के हाथों से मैं सब्जी को धीरे धीरे मिक्स कर लूँगी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे पूड़ी, पराठे, दाल चावल या चपाती या नहीं तो चाय के साथ भी इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये अचारी आलू सब्जी बहुत ही बढ़िया होती है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सब्जी को चला लिया है, और अब मैं डाल देती हूँ यहाँ अमचूर पाउडर, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इस सब्जी को बनने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। और जो हमने अचारी मसाले डाले हैं उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखिए मैंने सब्जी को मिक्स कर लिया, अब मैं डाल देती हूँ नमक, और नमक के साथ ही मैं डाल देती हूँ गरम मसाले का पाउडर। गरम मसाला हमेशा सब्जी में लास्ट में डालें ताकि इसका फ्लेवर और खुशबू बरकरार रहे। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और अब हमारी सब्जी हो चुकी है, तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और हरा धनिया डाल देती हूँ, और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इसके बाद मैं सब्जी को सर्व कर लूंगी। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है, तो मैं सर्व कर लेती हूँ। मैंने सब्जी को सर्व कर लिया है, देखने में भी सब्जी कितनी टेस्टी है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली सब्जी है और टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है। अगर हमारी ये सब्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएँ और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।